नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अपनी मांगों को लेकर के सभी एएनएम कर्मियों ने सीएचसी परिसर में किया प्रदर्शन। सोनभद्र दुग्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात दर्जनों एएनएम कर्मियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सीएचसी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन सीएचसी अधीक्षक को सौंपा। वहीं एएनएम कर्मियों ने अपनी मांग पर जल्द विचार किए जाने की मांग की। अगर मांग पर जल्द विचार नहीं की जाती है तो वह हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगी। आज सुबह ड्यूटी जाने से पूर्व जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी हुई। वहीं संघ की अध्यक्षता शोभा देवी ने बताया कि हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी कराई जाती है। अक्सर ड्यूटी को 7 बजे तक ही करवाया जाता है। वहीं 30 दिन ड्यूटी करवाया जाता है। छुट्टी मांगने पर वेतन कटौती की धमकी दी जाती है। महिलाओं से सभी दिन ड्यूटी कराना अन्यायपूर्ण है। आरआई के दिन बुधवार व शनिवार को कोरोना का ओवरलोड वैक्सीन देना, जिससे हम लोगों की दैनिक आवश्यक कार्य प्रभावित हो जाते हैं। हम लोगों को अभी तक एफडी का पैसा खाते में नहीं आया। कोविड टीकाकरण का आज तक पैसा नहीं मिला। वहीं सभी एनएम ने एक स्वर में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी व टीकाकरण का पैसा खाते में भेजने की मांग की, अन्यथा धरने व हड़ताल के लिए चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। जैसा कि अभी सीएससी के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, काफी लोग हैं जी, और एक प्रार्थना पत्र भी, क्या मामला है? सर, हम लोग का मामला है, मतलब सारी एनएम, मैं जिला अध्यक्ष एनएम हूँ, जो हर जगह सभी एनएम की समस्या है कि मतलब हम लोग का टीकाकरण संडे को भी किया जा रहा है। महीना में एक दिन भी छुट्टी नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को देख सके, बाल परिवार को देख सके। अब एक लेडीज है, लेडीज के लिए बहुत समस्या है। और दूसरी बात है कि हम लोग कभी भी 7 बजे ड्यूटी लग दिया जाता है, कभी 6 बजे लगा दिया जाता है। सोनभद्र एक इंटीरियर क्षेत्र है, जो कि लोग बाहर जाते हैं, करहिया हो गया, खोखा हो गया, गरदरा हो गया, मेवरपुर में भी कैसा जंगली एरिया है, जो एकदम दूर दराज जाती है, उन लोग आने के साधन नहीं मिलती है, किसी तरह आते। अगर कुछ भी हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? और दूसरी बात है, हम लोग बीएचएनडी के दिन कोरोना का टीका, उसमें बच्चा का भी टीका मिल जा रहा है। अगर बच्चा का वैक्सीन, हम लोग 7-8 वैक्सीन उसका हो जाए, 2 ये, और किसको कौन लग जाए, दिमाग ही तो मैं इधर उधर हो सकता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि शनिवार और बुध की केवल हम लोग बच्चे को भी वैक्सीन मिले, कोरोना का वैक्सीन नहीं मिले। और तीसरी बात यह है, किसी भी के साथ समस्या, कुछ भी परेशानी होती है, छुट्टी मांगने पर छुट्टी नहीं दिया जाता है, वेतन काटने की धमकी दिया जाता है। इसलिए सारी एनएम हम लोग चाहते हैं, मतलब इसका हम लोग खिलाफ हैं कि हम लोग ऐसा कर जाएगा तो हम बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले संडे को छुट्टी एक दिन हम लोग को मिलना अनिवार्य है, इसलिए हम लोग सब इस बात के लिए परेशान हैं। और तीसरी बात है, वैक्सीनेटर जो हैं वो वैक्सीन ले जाते हैं कोविड-19 के टीका के लिए, उनमें उनको पैसा नहीं मिलेगा। कह रहे थे अधीक्षक सर की पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्यों अपना तेल खर्चा करे सर? वो सब अपना खुद हम लोग को पहुँचाए और लाए वैक्सीन। हम लोग जाकर टीकाकरण करेंगे, वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी यहाँ के अधीक्षक सर के है, बीबीएन सर के है, मैनेजमेंट उन लोग करे कि किस तरह से हम लोग वैक्सीन पहुँचाना और लाना है। जिस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है, अगर उस मामले में सुनवाई नहीं होती तो अगला रणनीति आपका क्या रहेगा? अगला फिर हम लोग इसको बहिष्कार करेंगे, पूरे जिले में इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, अपने अपने सीएससी पर बैठक करेंगे। वहीं सीएससी अधीक्षक गिरधारी लाल ने बताया कि एएनएम कर्मियों की समस्याओं को लेकर के उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। उनकी एक दिन की छुट्टी की मांग है। एक सप्ताह में समस्याओं का हल निकाला जाएगा। टीकाकरण जल्द पूर्ण करने को लेकर के प्रेषक है। अधीक्षक साहब, अभी हॉस्पिटल के बाहर एएनएम कुछ प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ प्रार्थना पत्र भी दिए, क्या मामला था? इन लोगों ने कहा है कि लगातार सारे छुट्टी से लेकर इतवार तक भी लगातार महीने भर हो गया करते हुए, तो उनका कहना है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन का हमको अवकाश दिया जाए, जिससे हमारे घरेलू काम हैं, कपड़े लत्ते भी होते हैं, धुलने होने हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो उसी का ये मांग कर रहे थे। हम लोग ने बताया कि कुछ चीज़ें अभी ऐसा थोड़ी गंभीरता है, हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं इसके। अभी मैं अपने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को बताया बाई टेलीफोनिक, हमने बताया है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अधिकारियों से अपनी बात करेंगे। तो इसमें एक दिन की छुट्टी चाह रहे हैं और वैक्सीन वगैरह की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे स्थल पहुंचाया जाए, इनका कोई मार्ग बे नहीं दिया जा रहा है, कोई धनराशि नहीं दी जा रही है, तो ऐसा धनराशि देने की कोई प्राविधान है क्या? हाँ,
दो तरह के टीकाकरण होता है, जैसे आरआई होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, उसमें इन लोगों को दिया जाता है, शुरू से गाइडलाइन बनी हुई दिया जाता है। और कोविड के लिए भी कुछ अधिकारियों से बात की गई है, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पैसा है, वो जैसे ही आ जाएगा इनको यथाशीघ्र हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दे देंगे इनको। कब तक भुगतान मिलने की संभावना है इनकी? ने बात किया, इस हफ्ते के अंदर तक कोशिश करेंगे हम लोग मिल जाए। जैसे महिलाओं का ये भी था कि टाइमिंग जो है वैक्सीनेशन का, तो इंटीरियर में जो महिलाएं रहती हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के कैसे क्या व्यवस्था की जाएगी? वो उनके ही क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके क्षेत्र में ही ड्यूटी लगाई जा रही है, वहाँ ये आज नया नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं लगभग 10 साल से 5 साल से ड्यूटी कर रही हैं। और हमारे समझ में क्षेत्र के लोग पहचान भली भांति जानते पहचानते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 5 बजे 6 बजे तक वैक्सीनेशन का भी कभी कभी ऊपर आ जाता है ना, तो अमूमन 5 बजे ही होता है, कभी टारगेट कम होने की वजह से उसको जल्दी जल्दी पूर्ण करने के लिए टीकाकरण 6 बजे 7 बजे तक का कर दिया जाता है। 6-7 बजे बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है, फिर भी हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि कुछ मुहैया करा दिया जाए। संपूर्ण मांगों को लेकर के अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस दौरान लकी कुमारी, पुष्पा गुप्ता, आरती, ममता देवी और मिला, शशि सिंह, शकुंतला देवी, मनोरमा देवी, नीलम, अंजू, पूजा भारती सहित सभी एएनएम उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की।